जय हिंद, मैं एम के चौधरी और आप देख रहे हैं कृष्टि एम के। आज हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति के अग्रदूत माता दीन भंगी जी के बारे में। दलितों को लेके देश में अक्सर विरोधी माहौल बनाते हैं, पर सच यह है कि सामाजिक व्यवस्था हो, आज़ादी की लड़ाई हो या देश की रक्षा करने के लिए दलितों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लोग आज़ादी के नायक के रूप में मंगल पांडे को जानते हैं, पर सच्चाई यह है कि इसकी पटकथा माता दीन भंगी ने ही लिखी थी। माता दीन भंगी का जन्म 29 नवंबर को मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। बैरकपुर छावनी से 16 किलोमीटर दूरी पर कारतूस बनाने का कारखाना था, जिसमें मुसहर जात के लोग काम करते थे। एक दिन एक मजदूर छावनी आया, उसको जोरों की प्यास लगी थी। वहाँ पर तैनात मंगल पांडे से पानी मांगा, परंतु ऊंची जात का होने के कारण मंगल पांडे ने माता दीन को पानी देने से मना कर दिया। माता दीन गुस्से में हो गए, मंगल पांडे से बोले, तुम लोग जो कारतूस चलाते हो उसमें गाय का चमड़ा लगा होता है, सुअर का भी चमड़ा लगा होता है, तुम लोग अंग्रेजों से नहीं लड़ सकते, तुम लोग सिर्फ दलितों को ही परेशान करते हो, आदिवासी लोगों के ही साथ जातिवाद करते हो, छोटी जात को ही परेशान करते हो। यह बात सुनकर मंगल पांडे के होश उड़ गए। मंगल पांडे देश के प्रमुख क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से जो क्रांति का आगाज हुआ, उसका श्रेय माता दीन भंगी को ही जाता है। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने मंगल पांडे के ऊपर फिल्म बनाई। क्या माता दीन भंगी पर फिल्म नहीं बनाई जा सकती थी? कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि जातिवाद बॉलीवुड में भी है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, वाल्मीकि समाज की लगातार मांग रही है कि माता दीन भंगी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व शेयर करिए, हमेशा सपोर्ट बनाए रखिए। जय भीम, धन्यवाद।